तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपको कौन से डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि आपको कौन से डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप ज़्यादा जिसको वोट देंगे मैं उस डॉग के बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, सेन बर्नार्ड का ओरिजिन हुआ है स्विट्ज़रलैंड में, और हर एक डॉग ब्रीडर और हर एक डॉग ओनर जानते हैं कि सेन बर्नार्ड बहुत बड़ी और बहुत जाइंट ब्रीड होती है। और सेन बर्नार्ड के पपी को यदि आप अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप ये जान लें कि ये सेन बर्नार्ड के पपी बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। मतलब इनका इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होते हैं। मतलब इन्हें जो बीमारी पकड़ लेती है उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद उन्हें दूसरी बीमारी पकड़ लेती है। तो सेन बर्नार्ड बहुत नाजुक ब्रीड में से एक है। पहले नंबर में जो सबसे नाजुक ब्रीड होने वाली ब्रीड होती है वो है सेन बर्नार्ड। स्विट्ज़रलैंड में सबसे पहला सेन बर्नार्ड था बैरी, और बैरी के ऊपर स्विट्ज़रलैंड में एक मूवी भी बना हुआ है, बैरी द सेन बर्नार्ड। बैरी को स्विट्ज़रलैंड के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। बैरी को इसलिए रखा गया है क्योंकि बैरी बर्थ में जितने लोग फंसे रहते थे उनको निकालने का बैरी काम करता था, और बैरी अभी तक 2000 लोगों को बचा चुके हैं। मतलब पुलिस के साथ बैरी जाता था बर्फ में और बचा लेता था जितने लोग भी बर्फ में फंसे रहते थे। और सेन बर्नार्ड बहुत एक्टिव ब्रीड तो नहीं होती है, मीडियम एक्टिव ब्रीड में कहा जाए तो सेन बर्नार्ड होती है। और सेन बर्नार्ड बहुत फैमिलियर डॉग होती है। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ ये बहुत अच्छे से खेलने और घुल मिल मिलने वाली ब्रीड होती है। और सेन बर्नार्ड को यदि आप अकेले में छोड़ देंगे और इन्हें प्यार नहीं देंगे तो ये बिल्कुल उदास हो जाएंगे और बहुत डिप्रेस हो जाएंगे। इससे खाना वाना बंद कर सकते हैं। और सेन बर्नार्ड यदि आप इंडिया में पालते हैं तो उनका प्राइस आपको 25,000 तक मिल जाएगा। और एक सेन बर्नार्ड था स्विट्ज़रलैंड में नॉटी नाम का। नॉटी का गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम था कि ये 143 किलोग्राम था। मतलब जितने भी सेन बर्नार्ड थे उन सबसे ज़्यादा मोटा और सबसे ज़्यादा हैवी था नॉटी। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेन बर्नार्ड बर्फ के मैदान में रहते हैं, बर्फ के जगह में चलने वाली ब्रीड रहते हैं, तो इन्हें बर्फ में खेलना बहुत पसंद होते हैं। मतलब आप इन्हें ठंडे जगह में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से खेलेंगे। और यदि आप सेन बर्नार्ड को जो भी अपार्टमेंट में पाले हैं, जो भी रूम वूम में पाले हैं, तो जगह में आपको इनके लिए बहुत पानी रखना ही पड़ेगा। ये बहुत थोड़े एक एक सेकेंड में पानी पीने वाली ब्रीड होती हैं। सेन बर्नार्ड को प्यास बहुत लगती है। मतलब ये बहुत पानी पीने वाली ब्रीड होती हैं। इन्हें एक एक सेकेंड में पानी पीना, एक एक मिनट में पानी पीने की ब्रीड होती है। और इन्हें आपको रोज़ कम से कम 200 मील आपको इसे घूम वॉकिंग पे लेके जाना होगा, नहीं तो ये हैवी ब्रीड होने के वजह से ये इनका मसल्स पेन हो सकते हैं, फिर ये बहुत आलसी हो जाएंगे और फिर ये चलेंगे नहीं और एक ही जगह में सिर्फ लेजी बन जाएंगे और सोते रहेंगे। आपको इन्हें कम से कम 200 मील इन्हें आपको वॉकिंग पे लेके जाने हैं। सेन बर्नार्ड बहुत मशहूर ब्रीड है। स्विट्ज़रलैंड में तो सेन बर्नार्ड बहुत मशहूर हो गई थी, लेकिन इसके बाद ये विलुप्त होना शुरू हो गई। फिर न्यू फाउंडलैंड ब्रीड से इनका ब्रीड कराया गया। सेन बर्नार्ड की ब्रीड बस्ट हो गई, लेकिन जो सेन बर्नार्ड के बाल और उनका शरीर था वो बहुत जाइंट हो गया। मतलब ये बहुत जाइंट ब्रीड के हो गए और सेन बर्नार्ड के बाल बहुत बड़े बड़े हो गए। सेन बर्नार्ड एक बार फिर से बच गए और सेन बर्नार्ड बहुत फेमस हो गए। और सेन बर्नार्ड को स्विट्ज़रलैंड में हर एक डॉग ब्रीडर ओनर पाल रहा था। और सेन बर्नार्ड के गले में, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कॉर्नर लगा हुआ है। सेन बर्नार्ड के हर एक फ़ोटो या वीडियो में आप सब देख रहे होंगे कि उसके गले में एक बैनर बंधा हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बैनर में क्या होते हैं। तो ये बैनर जो बर्फ में जिन लोग फंस जाते थे ना, तो ये बैनर में ब्रांडी होती है। तो जो बर्फ में फंसे रहते हैं तो उनको ये गर्म रखने के लिए काम आती है। मतलब ये हर एक सेन बर्नार्ड के गले में बांधा जाता है, क्योंकि हर एक सेन बर्नार्ड इसे ही बांधा रहता है, क्योंकि ये जहाँ जिनके जो जो इनको ले कर जाते थे उनके साथ ये बहुत अच्छे से जाते थे। और यदि जिन जो डॉग ओनर के साथ यदि ये पहाड़ में जाते थे तो इन्हें बहुत, जो ओनर थे उन्हें बहुत ठंडी लगती थी, तो जो ये ब्रांडी होती थी वह उनको गर्म रखने में काम आती थी।
और सेंट बर्नार्ड को ये मार्क ल्यूज ने बांधा था, मतलब मार्क ल्यूज ने आइडिया दिया था कि इनके कौन गले के कॉर्नर में इस बैरल को बांधो। उसके बाद से मार्क ल्यूज ने इसे बनाने बताने के बाद इसकी एक ड्राइंग भी बनाई गई, और सेंट बर्नार्ड के हर जितने भी स्विट्जरलैंड में सेंट बर्नार्ड हैं उन सब के गले में ये बांधा गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और मेरे नए